प्रदेश के आतंकवादी रैलियों का दौर चल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राहुल गांधी कई सभाएं ली हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उपलब्धियों की गिनतियों अमित शाह ने 129 योजनाएं बखान मंच से किया है। कांग्रेस पार्टी के सिर घोषित करते हुए अमल करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी झूठे वादों का एटीएम है। अंदर कोई भी समस्या डालो, झूठ वादा बनाकर बाहर निकाल लेती है। जनता पार्टी के विकास के लिए एटीएम है। अमित शाह ने कहा है कि जब तक केंद्र में भाजपा सरकार आएगी, उसके बाद ही 114 राज्य के विजय पताक फहराएगी। सिंगरौली में आयोजित कई इन सभाओं के दौरान प्रदेश के अध्यक्ष राकेश सिंह और सांसद रीति पाठक, जिला अध्यक्ष कांता शीघ्रदेव सहित सभी भाजपा प्रत्याशी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं प्राइम बीके न्यूज चैनल के सिंगरौली से ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। टीवी पर देख रहा कमलनाथ जी पूछ रहे कि नरेंद्र मोदी जी आपने क्या किया। कमलनाथ जी, हमने तो 4 लाख करोड़ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। आप सब लोग जो बात तालियां बजाएं, मध्य प्रदेश को 3,44,126 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। 2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा दिया, भोपाल और इंदौर को मेट्रो दी और 56 लाख